भीषण गर्मी ने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम का पारा अब 47 डिग्री पार कर चुका है। गर्मी आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई है। धरती पूरी तरह से आग के गोले की तरह धधक रही है। यही वजह है कि सड़कों पर दोपहर में सन्नाटा नजर आता है। वहीं मौसम विभाग की माने तो शहर वासियों को अभी 3 जून तक कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील पांडे के मुताबिक रामेल तूफान की हवाएं खींचने के कारण शहर में गर्मी की स्थिति और भयावह हो गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बेजुबान जानवर हो रहे हैं भीषण गर्मी का शिकार। तो चलिए आपको ले चलते हैं कानपुर और बताते हैं कैसा है गर्मी का हाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप इस कदर नज़र आ रहा है कि जो सड़कें हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सुनसान नज़र आ रही हैं। सड़कों से लावे निकलते नज़र आ रहे हैं। लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। इस वक्त हम उस सड़क पर खड़े हुए हैं जहां पर लोग लाखों की संख्या में दिखते थे, लेकिन वर्तमान की स्थिति देखें तो यहाँ पर रोड आगे से लेकर पीछे तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सन्नाटा नज़र आ रहा है। अगर बात करी जाए तो कानपुर में पिछले 2 से 3 दिनों में जो तापमान है, पारा है, वो सर चढ़कर बोल रहा है। लगभग 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक का ये पारा अब तक जा चुका है। और स्थिति यह है कि जो विशेषज्ञ हैं वो सलाह दे रहे हैं कि जब तक आपको किसी प्रकार का कोई ज़रूरी कार्य ना हो तब तक आप अपने अपने घरों से ना निकले। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूस की शॉप यहाँ पर नज़र आ रही है, नारियल पानी की शॉप नज़र आ रही, और ये देख सकते हैं भाई भी यहाँ पर गर्मी से यहाँ पर अभी अभी सीधे आ रहे हैं। भाई कहाँ से आ रहे हैं और गर्मी का आलम अगर बात करी जाए कानपुर में क्या नजर है? भाई लाइट चली गई है, पंखा बंद हो गया, गर्मी से बेहाल। तो हमने कहा बाइक लेके चले, कुछ ठंडा जूस पी आए। बहुत बुरा हाल है गर्मी का। यहाँ ये आलम है कि बंदा बीमार होके, अभी परसों वाले दिन की बात है, मेरे गली में 4 लोग खत्म हो गए। सेंटर पार्क के बगल में आप जाके देखोगे, पता करोगे, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इतनी गर्मी है, इतना बुरा हाल है कि आप बता नहीं सकते। बिल्कुल देख सकते हैं कि एक ये ओला ड्राइवर भी देखिए यहाँ पर खड़ा है। इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ओला ड्राइवर हैं आप, यहाँ पर खड़े हुए हैं कोई राइड वगैरह लेकर आए या यहाँ पर आप आराम कर रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ पर अभी रेस्ट कर रहा था क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि 2-3 दिन बाद आज मैंने बड़ी कोशिश की गाड़ी निकाली, लेकिन लग नहीं पा रहा है कि इतनी गर्मी में गाड़ी चल पाएगी। कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं क्योंकि एसी वगैरह प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो काम करना तो मुश्किल है अभी। तो अभी क्या जो कस्टमर की जो आम दिनों में जो एक आना जाना रहता था इस कैब से, अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कितने कस्टमर आपकी कैब पे चल रहे हैं? काम आधा है मान के चलिए, लगभग आधा काम। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कैब जो है उस पर भी लगभग लगभग जो कार्य है वो आधा हो चुका है। जो सवारियाँ हैं वो कैब पर भी जाने से बच रही हैं। ऐसे में सहारा समय की टीम आप सभी दर्शकों से ये आग्रह करती है कि जब तक आपको कोई ज़रूरी कार्य ना हो तब तक आप अपने घरों से ना निकले, और यदि घर से निकल रहे हैं तो हमेशा एक लिक्विड भरपूर मात्रा में लेकर निकले, साथ ही साथ सर पर एक अंगोछा डालकर या जो भी ऐसी वस्तु है जिससे आपके जो सीधे धूप के संपर्क में आते उससे बचने वाली चीजों का प्रयोग करते हुए चलें। तो चलिए आपको बताते हैं इस भीषण गर्मी पर डॉक्टरों का क्या है कहना और कैसे रख सकते हैं अपना ख्याल। गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता हुआ पारा अब बीमारियों का सबब बनता जा रहा है। इसका कारण है कि अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लंबी लंबी कतारें भी नजर आने लगी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उसला अस्पताल के डॉक्टर शैलेन तिवारी जी। डॉक्टर साहब, जो गर्मी का सितम बढ़ रहा है, आम जनता की इन बातों का ख्याल रखे कि बीमारी के शिकार ना हो। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रिवेंशन आपका है गर्मी से बीमारियों का, वो आपका अनावश्यक जो गर्मी में बाहर घूमना है, ये चीज प्रवृत्ति जो है थोड़ा कम करनी पड़ेगी। स्पेशली जो पीक आवर गर्मी की होते हैं 11 से 4 के बीच में, इसमें आपको अनावश्यक घूमना मना है। दूसरा ये कि जो लोग मजबूरी है जाना जरूरी है, उनके प्रिकॉशन ये हैं कि वो अपने साथ पीने के पानी को रखें जिससे उनको डिहाइड्रेशन ना हो, ये पसीना निकलेगा, बीपी लो सकता है, आदमी को चक्कर रह सकता है, हीट हो सकते हैं। तो उसका तीसरा ये कि कपड़ों में ये कि हल्के रंग के कपड़े पहने चाहिए, डार कपड़े मना है गर्मियों में। और चौथा ये कि जब भी घर से निकले तो अपना मफलर या कोई ऐसी चीज़ सर को ढकने की वो व्यवस्था रखें, तो डायरेक्ट जो है गर्मी के साथ थोड़ा सा कम हो सकता है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप खाने पीने का सिस्टम लें, जो भी बीमारी की जड़ है एक तरह से, तो इसमें जो कि ये धरे हुए जो यूज़ मतलब काफ़ी दिन पुराने खाने या पनीर या नॉनवेज है, इस तरह खानों को बचाना पड़ेगा। खाना हल्का खाएं, ताज़ा खाएं,
ताकि इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन में जैसे कि डायरिया है, टाइफाइड है, ब्रोंकाइटिस है, ये बीमारी का प्रकोप बढ़ता है गर्मी में। साथ में दो बीमारी और है जो मीजल चिकन पॉक्स है, इनका भी गर्मियों में वायरस एक्टिव हो जाता है, तो इनका भी जब बीमारी होने पर तुरंत सलाह लें। अगर आपको चक्कर बेहोशी आ रहे हैं तो हीट स्ट्रोक का खतरा होता है, उसमें आप बेहोश भी होते जान चली जाती है, तो तुरंत जो है नज़दीकी अस्पताल में जाके परामर्श जरूर लें और उसका एडमिट होना पड़े तो एडमिट हो जाएं, इस तरह बचाव करा सकता है इसमें। सर तो गर्मी का माहौल ज़्यादा है और चूँकि जिला अस्पताल है, आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, क्या इसका अंतर समझे कि कितनी मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है और क्या खास बात उन मरीजों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? देखिए हमारे यहाँ नॉर्मली जो है 50 से 60 एडमिशन पहले होते थे नॉर्मल टाइम में, अब से 75 से 80 एडमिशन हो रहे हैं। तो उनमें ये ज़्यादातर जो डिहाइड्रेशन और कमजोरी और चक्कर वाले मरीज हैं, बीपी लो के साथ, कुछ मरीज डायरिया के भी हैं, कुछ बुखार के भी हैं जिसमें टाइफाइड भी निकल रहा है, और इस तरह के मरीज जो है डिहाइड्रेशन वाले ज़्यादा आते हैं। तो उसमें उनको अभी हम लोगों ने इमरजेंसी वार्डों में एयर कंडीशन लगा दिया है, इसीलिए अभी 1 महीने पहले तो वहाँ पे पीने का पानी आरओ लगा हुआ है, ठंडा पानी मिल जाता है, साथ में फिर प्रॉपर जो इलाज चिकित्सक इलाज करते हैं आईवी फ्लूइड देके या पैरासिटामोल देके कूल स्पंजिंग करा के, इस तरह से जो है प्लान किया जाता है। इस समय चिकित्सालय में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, कहीं भी कष्ट नहीं है। हमारे NB1 NB2 दोनों इमरजेंसी वार्ड और पूरे एयर कंडीशन हो गए हैं, हमारा ICU एयर कंडीशन हो गया है, तो इससे कम से कम मरीज को हीट स्ट्रोक से फायदा मिलेगा। देखने में आता है बाजार में कटे हुए फल इस तरह की चीज़ें जो बिक रही खुले में, उससे मरीज को क्या करना चाहिए, उससे कैसे? देखिए हमारी राय ये है कि इन मामलों में फूड एंड ड्रग विभाग को एक्टिव होकर इसको कंट्रोल में लेना चाहिए, इनकी सैंपलिंग करा लें, वो करा लें, और इस तरह का कोई प्रोविजन बन जाए कि हर आदमी जो मन चाह रहा ठेला लगा के बैठा है उसको कंट्रोल नहीं है किसी का। जैसे आप दवा में कंट्रोल करते हैं तो ये भी तो खाना भी तो जहर है जो खराब हो रहा है उसको बेच रहे हैं, इस पर भी जो है प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ अलाउ नहीं किया जाए। अपने मन से हर आदमी ठेला लगा ले रहा है, हर आदमी गंदा संदा खाना बेच रहा है, तो इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, हर आदमी फ्री है रेस्टोरेंट खोलने को, इस पर भी होना चाहिए। और रेस्टोरेंट वालों को भी कहते समझना चाहिए कि हम खाने के जो सामान है उसकी क्वालिटी मेंटेन रखें, पुराना धरा हुआ खाना यूज ना करें, पुरानी सब्जी, पुराने फल, पुराने वो, इन सब को भी बैन करना चाहिए कहते। आगे गर्मी का क्या हाल रहेगा, क्या उसका पारा रहेगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील पांडे जी। सर क्या आगे अब लगता है, जो अभी तो झेली रहे लोग आगे क्या लगता है आपको? देखिए अभी इसी तरह की स्थितियां 3 तारीख तक रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब ये तूफान रमेल नाम का तूफान जो आया हुआ था, अब ये थोड़ा आगे निकलेगा तो फिर जो हवाएं सीधे इसने अपनी तरफ खींच ली हैं, जो थार और राजस्थान से होके आ रही हैं वो गर्म है, उनकी वजह से ये स्थितियां पूरे NCR से लेके उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में बिहार और बंगाल तक अगले 2 दिनों में यही स्थितियां रहने वाली हैं। लेकिन 3 तारीख की रात या 4 तारीख की सुबह से अरब सागर से मॉइस्चर फीड पूरे उत्तर भारत में थ्रो होगा, उसकी वजह से कहीं कहीं हल्के क्लाउड बनेंगे, ऊंचे क्लाउड बनेंगे, तो हमारी धूप को थोड़ा रोकेंगे जिससे थोड़ी सी फौरी तौर पर हल्की राहत मिलने की संभावना है। लेकिन अभी बहुत जल्दी ऐसी राहत मिलने वाली नहीं है कि, लेकिन मानसून हमारा टाइमली आ रहा है, लेकिन मानसून हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 24-25 तारीख में एंट्री करेगा और 28-29 तक कानपुर में इसकी गतिविधियाँ शुरू होने की पूरी संभावना है। तब तक हमको बहुत बच के रहना है और अभी ऐसी स्थितियाँ रहनी हैं कम से कम 10 जून तक। लेकिन बीच बीच में अगर हाई क्लाउड बनते हैं, मॉइस्चर फीड आता है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी और कहीं कहीं पॉकेट्स में तराई के रीजन में बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी और मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं, इससे थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। देखा जाए तो गर्मी कहते हैं सभी के लिए बेचैनी का सबब बन रही है और परेशानी का भी बन रही है, लेकिन किसानों के दृष्टिकोण से कहें तो ये मौसम उनके लिए लाभप्रद है या नुकसानदेह? देखिए हमारी जो नौतपा होता है, ये कहावत है पुरानी, जो हमारे यहाँ पुराने लोग थे उन्होंने इस पे दशकों तक रिसर्च करी, इसके बाद कहा कि नौतपा तपता है तो बहुत अच्छा मानसून आता है, और नौतपा तप रहा है लेकिन मानसून अच्छा आ रहा है। लेकिन बात हुई किसानों की, जनमानस की, तो इस तरह का मौसम और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय अब हीट इंडेक्स पर अपना पूर्वानुमान जारी कर रहा है, लगातार पिछले 3 दिन से 58
और 59 तक हीट इंडेक्स जा रहा है, जो कहीं भी मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में अगर लोग बाहर निकलते हैं तो वो उनको पानी पीकर पानी लेकर निकलना चाहिए, अंगोछा छाता और अपना पूरा बचत करके निकलना चाहिए। बच्चे बूढ़े और बीमार लोगों को 11 बजे से 3 बजे तक बाहर निकलने में परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में हीट स्ट्रोक और ऑर्गन फेल्योर्स की पूरी संभावना बनी रहती है और जैसा देखा जा रहा है। ये थे मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर सुनील पांडे जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो गर्मी है इससे फिलहाल राहत नहीं मिलेगी और गर्मी का सितम यूं ही जारी रहेगा। हाँ, 3 और 4 तारीख तक कुछ राहत मिलने की संभावना है, लेकिन आम जनमानस को तब तक इस गर्मी से बचकर रहना होगा। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सारा समय।